नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर के 2019 तक के दौरान जो कुल 8 पेपर हुए हैं उन्हें हम सब्जेक्ट में डिवाइड करके एक क्रम से पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर से पहले दो सब्जेक्ट को हमने कुल 5 लेक्चर के माध्यम से डील किया है। तो पहला तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन पॉलिटी। तो अभी तक अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस का लेक्चर था नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रीवियस यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में वो दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर लगे हुए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2012 से लेकर 2019 तक के दौरान जो प्रश्न हिस्ट्री ऑफ मेडविल इंडिया से पूछे गए थे उनके बारे में। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए एक डिटेल्ड टेस्ट बनाया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें या फिर डेमो पीडीएफ आप देखना चाहें कि किस प्रकार सा ये टेस्ट है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे टेस्ट की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। और अच्छा अगर आपको लगे तो इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं कि किस प्रकार से टेस्ट से आप जुड़ पाएंगे। तो देखिए 2012 से हम शुरू करेंगे, 2019 तक यानी जो एकदम लेटेस्ट एग्जाम हुआ है तब तक के मेडविल हिस्ट्री से जितने प्रश्न आए हैं उन्हें हम एक क्रम से देखेंगे। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न आए थे उन्हें देख लिया है। तो 2012 से शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से प्रश्न दिख रहे हैं, तो प्रश्न को मैं भी पढ़ूंगा, आप भी इसे पढ़ते हुए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। तो अब इसका उत्तर क्या होगा ये जो है जल्दी से बताइए। देखिए, जो जहांगीर का काल रहा उसे मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष का काल माना गया। चित्रकारी अपने चरम बिंदु पर इस काल में पहुंची थी, ठीक है। तो अगर इसका हम उत्तर देखें तो हमें उत्तर दिखता है 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 यानी बी, अबुल हसन और अकारिजा ये जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत और यशोभद्र। तो ये जो जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी, इन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी और इन्हें जो है बहुत सम्मानित किया था। तो इस प्रश्न का यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर है हीर विजय सूरी। अगला, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। 1, 2, 3, 4 ABCD। तो इसका उत्तर है डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। गुलाम वंश का ये 7वां शासक था और 1242 से लेकर के 1246 के दौरान इसने जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया। अगला, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आप देखें नयनन, टिक्कन, कंबन, ये सब लोगों से बार बार जो है प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। दक्षिण के जो है ये महान
विभूतियां हैं और इसलिए इन लोगों के बारे में जानना बहुत उचित है। तो चौथे का उत्तर जल्दी से दीजिए। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है 3 और 4, नन्नय और टिक्कन। ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम इसका शुरुआत किया 13वीं शताब्दी में, टिक्कन ने इस काम को आगे बढ़ाया और फाइनली 14वीं शताब्दी में एरन ने इस काम को कंप्लीट किया। तो कुल मिला के 3 लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इसमें 3 और 4 होगा, तो हमारा उत्तर होगा चौथे का सी। चौथे का हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। तो 2012 में कुल इतने ही प्रश्न आए थे और एक लिहाज से देखा जाए, देखिए हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो हम क्वेश्चन को तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में या पूछे जा रहे थे, और अब किस प्रकार से, तो बदलाव क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, उसे हम समझ लें, और प्रश्न पूछने का जो एग्जामिनर का दायरा है उसको भी समझ लें। देखिए मेडविल हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और उसमें भी नेशनल मूवमेंट से सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कुल कितने प्रश्न हमने देखे। 2012 में हमने 4 प्रश्न देखे कि मेडविल हिस्ट्री से इसमें पूछा गया था और प्रश्न काफी टफ थे। अगला, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो 2012 से अगर कंपेयर करें तो ये प्रश्न जो है ये तो काफी आसान है। तो इसका उत्तर है एक खैराती अस्पताल था ये, दारुल सफा, एक खैराती ये स्थान सॉरी अस्पताल था। अगला, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? यह भी एक आसान प्रश्न आ गया, ए बी सी डी। इसका उत्तर है इल्तुतमिश ए। ठीक है, यह भी एक आसान प्रश्न है जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगला, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अलग 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 तरीकों से यह प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है और इसलिए यह भी आसान प्रश्न था। ठीक है, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खाना खाना। तो 7वें का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? यह थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगर पूर्व वर्षों में न पूछा गया हो तो, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खान, खुर्रम, महाबत खान, खुसरो। 1, 2, 3, 4 जल्दी से बताइए। देखिए खुर्रम ने तो विद्रोह किया ही था, महाबत खान भी था और खुसरो भी, तो 2, 3 और 4 8वें में सही है और इसलिए ये डी, इसका 8वें का डी उत्तर सही होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2013 के प्रश्न भी समाप्त हो गए, इसमें भी कुल 4 प्रश्न ही पूछे गए थे, तो कुल 4 प्रश्न आए थे। अगला, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत खान मलिक उलेमा। सूफी संत खान मलिक उलेमा, जल्दी से, दस्तार बंदान, इसका उत्तर है उलेमा। उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। अगला, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? अगर किसी को इसका अर्थ पता हो तो कमेंट में लिखे, साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की, शायस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा। इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। इसका उत्तर है जहां आरा। यह भी प्रश्न काफी रिपीट हुआ है, तो शाहजहां की ये बहुत ही प्रिय पुत्री थी, ये औरंगजेब से उम्र में बड़ी थी, तो औरंगजेब की ये बहन थी, शाहजहां की ये बड़ी पुत्री थी, और शाहजहां और इसका जो संबंध था जहां आरा का,
इसमें काफी विवाद है, इनकी जो नजदीकियां थी आपस में उससे काफी उस पर जो है विवाद है कि इन लोगों में किस तरह का आपस में संबंध था। अगर आप पढ़ेंगे नेट पे तो आपको मिलेगा। तो इसका उत्तर जहां आ रहा है, दसवें का उत्तर जहां आ रहा है। अगला, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ब्यास, राबी, सिंधु, सतलज, कुबलई खां। तो सबसे अधिक भारत पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का हुआ था, और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि सीरी का किला जो दिल्ली के पास है उसको घेर करके मंगोल जो है बैठ गए थे, और उसी किले के अंदर जो है जाकर के अलाउद्दीन खिलजी छुप गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ, लेकिन बहुत मजबूती से अलाउद्दीन खिलजी ने उनका प्रतिरोध किया। और इसके समय में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सिंधु नदी सीमा थी दिल्ली सुल्तान और मंगोलों के बीच। तो इसका उत्तर है सिंधु नदी, 11 का सिंधु नदी। अगला, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निजामुद्दीन औलिया, ए बी सी डी, इसका उत्तर दीजिए। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था महबूब ए इलाही, और वो प्रसिद्ध कथन जो अभी तक प्रयोग किया जाता है, हनोज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, ये इन्हीं का था। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मौर दर्द और ख्वाजा उस्मान हरूनी। तो 13 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी, ख्वाजा उस्मान हरूनी, जिन्हें कि सुल्तान उल औलिया यानी सुल्तानों का राजा कहा जाता था, संतों का राजा कहा जाता था, ये इनका जो है की उपाधि थी। अगला, अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था? अब देखिए ये कैसा प्रश्न है, कितने वर्ष में पूरा किया गया था? 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। तो कितने वर्षों में अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था? तो 1590 से लेकर 1596 के बीच, यानी कुल 7 वर्षों में अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया। अकबरनामा में क्या लिखा है? तो अकबर के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो इसमें ज्यादा प्रश्न जो है पूछे गए थे 2014 में, और आसान प्रकृति के प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं, 2015 में हम आ गए हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो अब जल्दी से बताइए, ए बी सी डी, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, कौन सा? तो देखिए इसमें, और सबका पता हो ना हो कि अकबर ने क्या क्या बनवाया था, कौन कौन सा किला बनवाया था, लेकिन अगर ये उत्तर पता हो कि दिल्ली का लाल किला ये तो शाहजहां के समय में बना था, तो इसका मतलब है कि इसे अकबर नहीं बनवा सकता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15 का ए, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बना था इसलिए लाल किला कहलाया। अगला, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार थे, महाजन थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, और नव धनाढ्य व्यापारी थे, क्या थे? इससे भी रिलेटेड बहुत सवाल जो है कई कई बार पूछा जाता है, और इसका उत्तर है ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को बड़े डिटेल में हमने इसी चैनल पे डिस्कस किया है, तो उसमें हमने इसकी बात की थी। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो युद्ध और उसका वर्ष, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध
और चंदेरी का युद्ध, तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जनवरी 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। तो जनवरी 1528 में एग्जैक्ट कहें तो 24 जनवरी 1528 में ये युद्ध हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध सुमेलित नहीं है और हमारा उत्तर होगा 17 का डी। अगला, तो 15 हमने देख लिया, आप 16 पे आ गए। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी और चंद्रगिरी। तो अपने समय के भारत के महान शासकों में महानतम कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन सा नगर बसाया था। तो इसका उत्तर है बी, नागलापुर शहर को उन्होंने बसाया था। और इन्हें हम याद रखते हैं, इनकी वीरता के लिए तो हम याद रखते ही हैं, प्रशासन के लिए तो याद रखते ही हैं, लेकिन एक तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद के लिए भी हम इन्हें याद रखते हैं, जिसमें राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों का, एक राजा के कर्तव्यों का, राजा को कैसा होना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 18 का बी। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। देखिए, पीछे हमने बात किया कौन जहांगीरी चित्रकार नहीं था, 2012 का पहला ही प्रश्न हमने डिस्कस किया और उसमें जो है कुछ नाम दिए गए थे और कि कौन कौन थे इसमें। ठीक है, तो चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ और हेरात का एक चित्रकार था आका रजिया, जिसके बारे में हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया, उसके नेतृत्व में, उसके देखरेख में आगरा में एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाया गया था। तो चित्रकला इसका उत्तर है। अगला, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, कि जो गुलाम का भी गुलाम हो? तो मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिस। जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। तो देखिए, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिस, तो गुलामों का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिस। तो 20 का हमारा उत्तर है डी, इल्तुतमिस को ही दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसको सोच करके भी उत्तर दिया जा सकता है कि कौन इतना सहिष्णु हो सकता था मुगल शासक। ठीक है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, तो इसका उत्तर है अकबर। अकबर नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था। तो 21 का हमारा जो उत्तर है वो सी है। अगला, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट, हैदराबाद, भारत में। ए, बी, सी, डी। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था। देखिए, एग्जामिनर गजब गजब के हैं। हैदराबाद अगर कोई बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हैदराबाद ही समझेंगे। असल में पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, तो यहां भारत लिखा गया। ऐसा कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इन लोगों की स्थिति यह है कि हैदराबाद और ब्रैकेट में भारत लिखे हैं कि कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान की बात हो रही है। तो लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में। देखिए, मुगल काल में मदरसा जो है शिक्षा लेने के बहुत महत्वपूर्ण स्थान थे और अलग अलग मदरसे अपनी अलग अलग विशिष्टता क्षेत्र के लिए जो है विख्यात थे। तो लखनऊ में जो फिरंगी मदरसा था ये न्याय की शिक्षा के लिए, और सियालकोट का जो मदरसा था वो व्याकरण के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर होगा लखनऊ में, और इसका नाम था फिरंगी मदरसा। अगला, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो ये भी आसान प्रश्न है, और इसका उत्तर क्या है? बी, 1526।
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि युद्ध के दौरान युद्ध में मारा गया। तो 23 का हमारा उत्तर है बी, 1526। अगला, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, हेमू, ए बी सी डी। अब देखिए एक चीज यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जब प्रश्न पूछा गया तो काफी विवाद हो गया कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। कई लोगों को लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कहा जा रहा है, कई लोगों को लगा कि महाराणा प्रताप के लिए कहा जा रहा है, कई लोगों को ये लगा कि ये हेमू के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि सेंटर के लिए कौन कौन लड़ा था, तो सेंटर के लिए हेमू ही लड़ा था, और फिर पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही थी। तो उत्तर यह माना गया है कि यह पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात की गई थी, क्योंकि जब तक पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक थे तब तक जो है कोई बहुत बड़ी सल्तनत नहीं भारत में खड़ी की गई थी मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम शासकों के द्वारा। ठीक है, तो एक बार दिल्ली हाथ से निकला तो कभी भी सेंटर पर फिर जो है हिंदू शासक नहीं आ पाए या भारतीय शासक नहीं आ पाए, एग्जैक्ट जो है शब्द यही है। तो पृथ्वी राज चौहान को माना जाता है, जिन्हें इतिहासकार राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथों ये पराजित हुए थे। अगला, तो 2016 के प्रश्न देखे, 15 के देखे, 14 के देखे, 13 के भी देखे, और सब हमने देखा कि आसान आसान थे, लेकिन 12 का प्रश्न थोड़ा मुश्किल दिखा। अब आ जाते हैं, अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि अकबर से जहांगीर से काफी प्रश्न आपको देखने को यहां मिला है। तो ए कनकूट, बी हल की संख्या, सी जब्त और गल्ला बख्शी। तो उत्तर भारत में तो टोडरमल के नेतृत्व में बहुत अच्छे से भूमि की पैमाइश नाप करके और ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाई गई थी, जब्ती प्रणाली। लेकिन दक्षिण भारत में हल की संख्या के आधार पर राजस्व की वसूली की जाती थी। तो इसका उत्तर होगा 25 का हमारा उत्तर होगा बी। अगला, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फादर एंथोनी मानसरेट, फ्रांसिस्को प्लस्ट, निकोलनो मनुकी और फ्रांक्वायस वर्नियर। तो इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर है बी। ये आगरा में, ये एक डच था और आगरा में जो डच टकसाल था उसका ये अध्यक्ष था, और जहांगीर का भारत नामक पुस्तक भी इसने लिखी थी। अगला, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो दिल्ली सल्तनत से टूट करके जौनपुर स्वतंत्र शासन की, जौनपुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना सरकियों द्वारा की गई। तो यह पूछा जा रहा है कि कौन जौनपुर का अंतिम शासक था, क्योंकि बहलोल लोदी ने जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो इसका उत्तर है हुसैन शाह सरकी। 27 का हमारा उत्तर है हुसैन शाह सरकी। अगला, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? इल्तुतमिश की, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की, ए बी सी डी। तो इसका उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम कमांडर था जो कि दक्षिण भारत में घुसा। इससे पहले तक दक्षिण भारत में कोई नहीं जाता था। तो देवगिरी पर इसका पहला आक्रमण 1296 में हुआ, और जब ये शासक बन गया अपने चाचा की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका एक दास था जिससे अलाउद्दीन खिलजी का अनैतिक संबंध भी बताया जाता है, मलिक कफूर। तो मलिक कफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाएं भारत के सुदूर दक्षिण में मदुरा
तक जो है पहुंचने लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना को काकतीय शासकों की सेना ने हराया। तो 2017 के भी प्रश्न समाप्त हो गए। अब आ गया 2018 अगला। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। और कारण आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन करिए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, यह निश्चित रूप से सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में संबंध नजदीकी नहीं है और ऐसे में इसका उत्तर 29 का होगा बी। अब इसे कुछ लोग जो है इसका उत्तर ए भी मानते हैं और इसमें जो है संबंध तलाशा जाता है कि संगीत में रुचि थी और इसलिए जो है संगीत पर संस्कृत में बहुत सारे जो संस्कृत में लिखी गई किताबें थे उनका फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है, आप इस बारे में क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगला, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था और लिखित में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर है 30 का, सूबा और परगना के बीच, शाहजहां के समय सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई विकसित की गई थी जो कि सरकार के समानार्थी नहीं थी। और इसमें क्या था कि एक चकला में 3-4 परगने आते थे, लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं था। तो सरकार अलग इकाई थी, उसके बाद चकला था, उसके बाद परगना था, और परगना से लेकर के सूबा के बीच की ये इकाई थी। समझ में आ गया? तो सी इसका उत्तर है। अगला, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, चौथ, अबाब, जमादानी। ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वो है चौथ। तो मराठे चौथ की वसूली करते थे। अब चौथ होता क्या था? तो पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूला जाता था। चौथ उस वसूलने के पीछे इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग ये कहते थे कि चौथ वसूलने का मतलब ये होता था कि जिस राज्य से मराठे चौथ वसूल रहे हैं उस राज्य में वो लूट मार नहीं मचाएंगे, और कुछ इतिहासकारों का मत है कि मराठे जिस राज्य से चौथ वसूलते थे उसे सुरक्षा की गारंटी देते थे, यानी चौथ के बदले वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे। अब जो भी, चौथ जो होता था वो उस राज्य की आय का 1/4 होता था। ध्यान दीजिए, जिस राज्य से चौथ वसूला जाता था उस राज्य की जो आय होती थी उसका ये 1/4 होता था। और जो सरदेशमुखी होता था ये क्या था? तो सरदेशमुखी उस राज्य की, ये भी पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था, और चौथ और सरदेशमुखी दोनों साथ वसूला जाता था। तो जो सरदेशमुखी वसूला जाता था वो कुल भूमि से प्राप्त जो आय हुई, जो राजस्व भूमि से आया, जो भू राजस्व है उसका 10% होता था। तो चौथ उस राज्य की आय का, इसका मतलब जितने प्रकार की आय होगी उस सबका 1/4, लेकिन जो सरदेशमुखी है ये क्या है? तो ये केवल भू राजस्व है का 10%। तो ये 25%
चौथ नाम से ही जान रहे हैं, और सरदेशमुखी 10%। ये केवल भू राजस्व का 10% था, जबकि ये संपूर्ण आय का 1/4 था, चौथाई था। अगला, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानू बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा, महामनगा। जल्दी से बताइए ए बी सी डी। तो 1561 में इसका निर्माण हुआ था माहम अनगा के द्वारा। ये जो थी महामनगा, ये जो है अकबर की संरक्षिका थी, ठीक है। तो 32 का हमारा उत्तर होगा डी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रियासत और दूसरे तरफ शासक, और ये सब दक्षिण भारत की रियासतें हैं। तो देवगिरी शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल बीरबल्लाल, मदुरा बीर पांडे। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये रामचंद्र देव और शंकर देव, ठीक है, ये दोनों एक ही रियासत से हैं। तो रामचंद्र देव पिता हैं और शंकर देव उनके पुत्र हैं, तो ये दोनों लोग देवगिरी से जुड़े हुए हैं, वारंगल से जुड़े हुए हैं प्रताप रुद्र, ठीक है। तो रुद्र देव वारंगल से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो है असंगत है, यानी बी जो है ये असंगत है, बाकी सब संगत है, होयसल बीरबल्लाल, मदुरा बीर पांडे। तो रुद्रदेव वारंगल यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो 33 का बी। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है कथन ए? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल निश्चित रूप से सफल हुए। सफल क्या हुए, भारत में तो तुर्कों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं था कि तुर्क जो है अजेय थे, निश्चित रूप से ये अजय नहीं थे, लेकिन उत्तर भारत में राजनीतिक एकता थी ही नहीं, और इसी कारण से ये सारी स्थिति हो गई। आज का ही देख लीजिए, आज भारत एक है, केवल इतना अंतर ही है। ऐसा नहीं कि उस समय से अधिक धन संपदा अब हो गई है, सुविधाएं अलग चीज है उस काल के हिसाब से, लेकिन आज क्या है, आज कोई भी कोई अफगानिस्तान से लुटेरा चला आता था और दिल्ली में जो मन वो करता था। आज स्थिति यह है कि पूरा मध्य पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, इजराइल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूरी जो पट्टी है, जो पूरा अरबिस्तान है, जो पूरा तुर्किस्तान है, ये सब लोग अगर मिल के आ जाएं तब भी एक महीने से ज्यादा युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो आज ये ताकत है, और उसका केवल ये है कि हम राजनीतिक रूप से एक इकाई हो गए हैं। और उस समय क्या है कि राजस्थान के अंदर ही 20 राजनीतिक इकाइयां हैं और सब आपस में लड़ने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण ए कथन ए की सही व्याख्या है। तो 34 का हमारा उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद माड़ू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो अदीना मस्जिद से काफी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यह प्रश्न थोड़ा सा देखने मुश्किल है, हालांकि मुश्किल ही है अगर इसका ऑप्शन नहीं हो तो। तो अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और बंगाल का शासक सिकंदर शाह के काल में यह 1360 में निर्मित हुई थी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो लेखक हो गए और एक तरफ उनकी रचना। ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, और उस्मान चित्रावली। तो आचार्य केशवानंद ने रसिक प्रिया की रचना की है, तो ये रसखान की रचना नहीं है।
तो इसका 36 का उत्तर सी। तो 2018 का भी प्रश्न हमने देख लिया। 2019 में मध्यकालीन भारत से काफी प्रश्न पूछे गए थे, तो चलिए एक क्रम से हम देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, और जरीब एक प्रकार का कर, ए बी सी डी। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो देखिए, जरीब एक प्रकार का कर नहीं था, ये नापने की एक इकाई थी। तो गजे सिकंदरी जो कि अकबर के समय तक प्रयोग किया गया नापने के लिए, उसके बाद राजा टोडरमल ने पूरी व्यवस्था की, तो उस समय जरीब नामक जो है एक नया नापने का के यंत्र की जो है उन्होंने शुरुआत की। तो सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा, टोडरमल के द्वारा, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो जरीब का प्रयोग किया गया। तो जरीब क्या है कि ये एक नापने की इकाई थी, भूमि की इससे नाप की जाती थी। तो 37 का डी। अगला, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मुल्ला दाऊद चांदायन, दामोदर कवि आशिका, शोभनाथ पद्मावती कथा, अमीर खुसरो राग विबोध। अब देखिए, अगर इसको हम देखें तो ये मुश्किल लगता है, एक लिमिट है याद करने की चीजों को और कहां तक लोग जो है याद करेंगे। लेकिन इस तरह के प्रश्न जब भी आप देखा करिए तो परेशान न हुआ करिए, इसमें कुछ बेसिक नॉलेज चेक की जाती है, कुछ बेसिक चीजें आपको पता है या नहीं है यही चेक की जाती है। कैसे? अब इसमें देखिए, अमीर खुसरो की किताब आशिका काफी प्रसिद्ध है, और जिसमें कि देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के प्रेम संबंधों का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अमीर खुसरो डी का टू अगर आशिका है ये हमें पता है, और इन जनरल रीडिंग हम जो करते हैं उसमें हमें ये पता रहता है कि अमीर खुसरो आशिका, ये थोड़ा ज्यादा प्रश्न भी इस पे बनाया गया इसलिए याद रहता है। तो अगर डी का टू होगा तो ए में तो नहीं दिख रहा है टू, सी में भी नहीं दिख रहा है, और डी में भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बी इसका उत्तर है। हमको और कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की है, तो हमने इसका उत्तर पा लिया। तो बी का हमारा जो है इसका उत्तर हो गया 38 का बी। ठीक है, तो ए का 1 मुल्ला दाऊद चांदयन, बी का 3 दामोदर कवि पद्मावती कथा, सी का 4 यानी शोभनाथ राग विबोध, और डी का 2 यानी अमीर खुसरो आशिका। अगला, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ग्वालियर के थे तानसेन, तो तानसेन को संरक्षण दिया था रीवा के राजा ने। ठीक है, रीवा को ही भाटा कहा जाता है, तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, इसका उत्तर है ए बी सी डी। तो 39 का उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। अटाला मस्जिद जौनपुर, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। अब यह प्रश्न पूछा गया था, अब इसका उत्तर आपको नहीं पता है तो कुछ बेसिक चीजें देखिए, इन सब तरह के प्रश्नों में भी दिमाग को थोड़ा खर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और जबकि हम जानते हैं कि 1485 में ही अगर हमें यह पता है कि सरकियों का काम समाप्त कर दिया गया था और दिल्ली साम्राज्य में जौनपुर को मिला लिया गया था, ठीक है, और ये अगर हमें पता है कि अटाला मस्जिद सरकी राजवंश ने बनवाया था जौनपुर में,
अब इस तरह की इंफॉर्मेशन है तभी हम कर पाएंगे, अब एकदम नहीं आ रहा है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर अटाला मस्जिद सरकियों ने बनवाया है ये हमें पता है, और सरकियों का काम जो है समाप्त हो गया था 1500 से पहले, तो हमें ये लगेगा कि और सारे लोग तो इसके बाद आए, बाबर तो 1526 में पानीपत में आए, तो हुमायूं तो उसके बहुत बाद में आएगा, और हुमायूं बनाम शेर शाह सूरी था, तो ये लगभग दोनों एक काल के थे। तो जाहिर सी बात है ये अटाला मस्जिद जौनपुर ये पहले नंबर पे आनी चाहिए, अटाला मस्जिद जौनपुर ये पहले नंबर पे आनी चाहिए। और अगर ये हमने समझ लिया तो बी इसका उत्तर है ये हम जान गए, अब फिर क्या क्रम है हमको नहीं पता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्रम ये है कि हमें ये जानना, अगर हम ये जानते हैं कि रबिया दौरानी जो है ये औरंगजेब की बीबी थी, अगर ये हमें पता है कि ये औरंगजेब की बीबी थी, अगर ये हम जानते हैं तो हमें पता चलेगा कि हुमायूं शेर शाह के बहुत बाद औरंगजेब का मामला है, और इनका मकबरा है यानी इनके मरने के बाद ही ये बना होगा, तो ये सबसे बाद में होगा, यानी पहला जो होगा वो सबसे बाद में होगा। अगर ये हमें पता होगा तो हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं बी में भी है और डी में भी है, तो इस एक इंफॉर्मेशन से हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अटाला मस्जिद सबसे पहले बनी होगी इसमें से, इस आधार पे जो है हम इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो किस क्रम से जो है ये बना, तो सरकी वंश 1408 में, अटाला मस्जिद जौनपुर में, शेर शाह सूरी का मकबरा 1545 में, हुमायूं का मकबरा 1570 में, और बीबी का मकबरा रबिया दौरानी, इसको बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। आजम शाह जो पुत्र था औरंगजेब का, उसने, औरंगजेब हम जानते हैं कि किसी तरह के निर्माण के विरुद्ध था, उसके शासनकाल में कोई निर्माण नहीं हुआ, केवल विध्वंस हुआ जो है मंदिरों का, विध्वंस वो करता रह गया, निर्माण नहीं किया। तो आजम शाह ने अपनी माँ इस रबिया दौरानी का एक नाम और था दिलरास बानो बेगम, तो दिलरास बानो बेगम यानी रबिया दौरानी यानी अपनी माँ के याद में उसने जो है औरंगाबाद में ये मकबरा बनवाया, और इसे जो है इस मकबरे को ताजमहल की प्रतिकृति मानी जाती है। यहाँ पे है आप देख सकते हैं, ये ताजमहल नहीं है, ये बीबी का मकबरा है, और इसे महाराष्ट्र के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ज़्यादा पैसा औरंगजेब ने नहीं दिया तो इसी प्रकार से ये बना है। तो ये उत्तर है 40 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो बिल्कुल मनसबदारी का पद पैतृक था, तो इस प्रश्न में यही जानना है कि मनसबदारी का जो पद था वो पैतृक था या स्थानांतरणीय था, यानी बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद नाती पोता, ठीक है। तो इसका उत्तर जल्दी से दीजिए, तो इसका उत्तर 41 का होगा ए, ठीक है। मनसबदारी का पद जो था ये पैतृक नहीं था, ठीक है, तो केवल एक होगा, 41 का ए। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और बी, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका उत्तर बताइए। तो देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो 42 का उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं 43, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। काफी
मुश्किल प्रश्न ये है, अगर प्रीवियस ईयर में किसी परीक्षा में पूछा गया है और कोई इस प्रश्न को पहले से पढ़ा है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न पहली बार ही आ जाएं, कोई एग्जामिनर पहली बार इन्हें पूछे, तो निश्चित रूप से ये बहुत मुश्किल प्रश्न माना जाएगा। और एक चीज़ और है कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडविल हिस्ट्री में अगर बहुत अधिक पढ़ भी लिया जाए तो कितने प्रश्न सही किए जा सकते हैं, अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं तो निश्चित रूप से 5-6, और इसी पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाई भी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ करके भी इससे ज़्यादा प्रश्न सही नहीं किए जा सकते। 90% 80% क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से, मॉडर्न हिस्ट्री से सही किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध, इस तरह के थोड़ा कम याद हो पाता है। अब एक ही चीज़ को बार बार रटने की अपनी आदत नहीं है, तो हर जगह मैं दिमाग लगाने का प्रयास करता हूँ, हालांकि सूचनाओं को कनेक्ट करके दिमाग में लगा लेता हूँ। तो यहाँ मैंने दिमाग ये लगाया कि ये जो जजाऊ का युद्ध था ये तो बहादुर शाह और आजम शाह के बीच में हुआ था, औरंगजेब के मरने के बाद ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध था, तो ये तो मुझे पता है। और जब ये मुझे पता है तो मुझे ये लगा कि ये सबसे लास्ट में हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर नहीं पता है कौन युद्ध कब हुआ नहीं पता, बस इतना पता है तो ये तो सबसे बाद में ही हुआ होगा, क्योंकि और सब तो नाम से ही लग रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर स्थानीय शक्तियों का पूरा मामला आ गया, ठीक है, मराठों का और बंगाल हैदराबाद टाइप। तो जजाऊ का युद्ध, अब देखिए, अब ये ट्रिक फेल हो गई, ए में भी है, बी सी में भी है और डी में भी है, तो जो ट्रिक हम लगा लेते थे वो फेल हो गई। अब यहां पर सिलेंडर हो गया, दिमाग अब नहीं लग पाएगा, दिमाग की जो लिमिट है, मैं ये भी समझा ना रहा हूं कि कहां थोड़े से इंफॉर्मेशन से काम हो जाता है और कहां एकदम नहीं हो पाएगा, अब यहां नहीं हो पाएगा। यानी कि एग्जामिनर ये चाहता है कि धर्मत का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरनाल के युद्ध में से कोई दो तो आप जान ही रहे हो तभी आप उत्तर के पास पहुंचेंगे, ये जजाऊ के युद्ध से आप नहीं जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फेमस है। तो 1540 में सबसे पहला इस श्रृंखला में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह वर्सेस हुमायूं से हुआ, तो ये दो सबसे पहले हुआ, ठीक है। तो हम देखें तो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरनाल का युद्ध अकबर और मिर्जा हसन से हुआ गुजरात में 1572 में, ठीक है। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद सरनाल का युद्ध, दो के बाद एक, तो दो के बाद एक यहां है। फिर तीसरा युद्ध धर्मत का युद्ध जो हुआ वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ, तो ये हुआ। और जजाऊ का बहादुर शाह, तो 43 का हमारा जो उत्तर है वो ए है। आगे बढ़ते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इकता व्यवस्था की नहीं है। इकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सियासतनामा इकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी और मुक्ति को इकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो भारत में इल्तुतमिश के द्वारा इकता प्रणाली जो है प्रारंभ की गई, एक तरह से एक क्षेत्र जो है, और जो इकता का धारक होता था, उस क्षेत्र का जो धारक होता था उसे दो नामों से पुकारा जाता था, इकतादार या मुक्ति, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक विशिष्टता इकता व्यवस्था की नहीं थी, तो इसमें इकता से जो एकत्रित राजस्व था वो सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। ये एक आसान प्रश्न है, क्योंकि इकतेदार जो थे वो सेना रखते थे, ठीक है, और युद्ध के समय वो अपनी सेनाएं लेकर के आते थे और वहां उस क्षेत्र में प्रशासन भी ये करते थे। तो यहां पे देखिए, इकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी,
सियासतनामा में उल्लेख मिलता है, और मुक्ति को यानी इक्तेदार को यानी मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो जो खालसा भूमि होती थी वो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में होती थी और सुल्तान के खर्च के लिए उसके धन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक, तुगलक नामा इबन बतूता, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो जो मशहूर रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं उन्हें भी हमें याद रखना है, जो मशहूर यात्री रहे हैं और उनका जो यात्रा वृत्तांत रहा है उन्हें भी हमें याद रखना है। इससे हमें समझ में आ रहा है जो महत्वपूर्ण निर्माण हुए हैं मध्यकालीन इतिहास में उन्हें भी और उसके निर्माणकर्ता को भी हमें याद रखना है। तो तुगलक नामा इबन बतूता, तो तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा है, इबन बतूता की प्रसिद्ध रचना है रेहला, तो इसका मतलब है ये सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 45 प्रश्न, कुल 8 पेपरों में 45 प्रश्न पूछे गए थे, तो लगभग 4 से थोड़ा ज्यादा का एवरेज इसमें था, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा तो वहां पे कुल 8 वर्षों में 100 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और इसी तरीके से एंशिएंट में भी हम देखेंगे तो लगभग इतना ही प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। तो एंशिएंट और मेडविल, आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों को मिलाकर जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतने प्रश्न अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।